चिल्ड्रेंस वेलकम टू क्लास थर्ड. इन प्रीवियस टॉपिक वी रीड अबाउट द एयर पॉल्यूशन. ओके, थर्ड चैप्टर इन ईवीएस सेव द एनवायरनमेंट. ओके, टुडे आई विल टीच यू. सेकंड टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन. ओके, प्रेजेंस ऑफ जर्म्स वायरसेस एंड हार्मफुल केमिकल्स इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. जो हमारे वाटर में जो केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, जर्म्स होते हैं, इन्हीं सब से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है. सीवेज इन ड्रिंकिंग वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर पोल्यूशन. जो पीने वाला पानी जो होता है वो गंदा अगर होता है, उसी से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है. कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या कारण है वाटर पोल्यूशन के, कैसे होता है. सम कॉमन काजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो हम यहाँ देखते हैं. फर्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हग अमाउंट ऑफ वेस्ट विच कंटेन्स पॉल्यूटेंट्स एंड हार्मफुल केमिकल. दिस वेस्ट फाइंड वे इन टू रिवर्स कैनाल्स ETC कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो हमको उससे जो पलूटेंट्स निकलते हैं या हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, वो सब हमारे लिए क्या होते हैं, वही वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं और उन्हीं से वाटर पोल्यूशन होता है. ये सारे जो है इंडस्ट्री से हमारे केमिकल्स निकलते हैं और रिवर्स और कैनाल्स में जाके मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है. सीवेज एंड वेस्ट वाटर, सीवेज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेस कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया एंड केमिकल्स. व्हेन दे फाइंड वे इनटू फ्रेश वाटर इट इज़ पोल्यूटेड एंड कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. जो वेस्ट वाटर होते हैं हमारे, सीवेज होते हैं, हमारा जो गंदा पानी होता है जब घर से निकलता है, घर के जो गंदा पानी निकलता है वो उससे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल्स उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब यही पानी हमारा नदी या उसके पानी में जाता है तो वहाँ का पानी भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है. फिर वही वाटर जब हम पीते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो जाती है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम हमको हो जाती है जब हम वेस्ट वाटर को यूज़ करने लगते हैं. थर्ड है एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज इन शिप्स. जब किसी शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है उससे जो ऑयल लीक होने लगते हैं. समटाइम्स ए शिप कैरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल में स्पिल ऑयल इफ में वेट विद एन एक्सीडेंट. क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयल जब होता है शिप में और जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो ऑयल निकलने लगता है वो पानी में मिल जाता है. ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर एंड कॉजेज प्रॉब्लम टू मैरीन वाइल्ड लाइफ. ऑयल जो है वो वाटर से मिक्स तो नहीं होता, उसमें पूरी तरह मिल तो नहीं पाता है, लेकिन जो समुद्र में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एनिमल्स, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है, मैरीन वाइल्ड लाइफ उसके लिए ये बहुत प्रॉब्लम होती है. फोर्थ है हमारा मैराइन डंपिंग. इन मेनी कंट्रीज हाउस होल्ड गार्बेज इज डम्प्ड इन टू सीज. बहुत सारी कंट्रियों में जो घर के कूड़े होते हैं वो समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं. इट नॉट ओनली कॉजेज वाटर पॉल्यूशन बट ऑल्सो हार्म्स एनिमल इन द सी. ये वाटर पॉल्यूशन तो नहीं पैदा करते हैं लेकिन ये हमारे जो समुद्र में एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल हो जाते हैं, बहुत हार्म्स हो जाते हैं. इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफ़ेक्ट क्या होता है, इट स्प्रेड डिजीज लाइक कॉलरा टाइफाइड एंड डायरिया. इससे कौन कौन सी बीमारी होने लगती है, कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड एंड डायरिया. इट हार्म्स एंड डिस्टर्ब द फूड चेन. ये जो हमारी पूरी फूड चेन होती है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है. इट हार्म्स द मैराइन लाइफ प्लांट्स एंड ट्रीज. इससे हमारी जो समुद्री मैरीन लाइफ जो होती है, समुद्री लाइफ जो होती है हमारी, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है. प्लांट डिस्टर्ब हो जाते हैं, ट्रीज बहुत हार्म वो हो जाते हैं, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है. फिर है सेफ्टी मीजर्स. इसको हम कैसे
सेव कर सकते हैं इसको, मतलब फैलने से, वाटर पोल्यूशन को फैलने से कैसे बचा सकते हैं? नेवर थ्रो गार्बेज एंड रबिश इनटू वाटर, हमें कभी भी कूड़ा करकट पानी में नहीं फेंकना चाहिए, या घर की जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनको हमको पानी में नहीं डालना चाहिए। डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल्स, पेंट्स एंड मेडिसिंस डाउन द ड्रेन्स। कभी भी हमको कोई भी केमिकल हो, चाहे ऑयल हो, चाहे पेंट हो, या कोई भी मेडिसिन हो, उसको हमको डायरेक्ट ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। डू नॉट ओवर यूज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इन फील्ड एंड गार्डन। और बहुत ज़्यादा हमको पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ भी फील्ड में या गार्डन्स में नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा बहुत तेज़ी से वाटर पोल्यूशन होता है। ओके चिल्ड्रेंस, यू अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेंस।